आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। मजाक रात की तरफ से जी, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और ये देखे ना कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे यहाँ मौजूद हैं, जिनकी आंखों में आपके आते ही चमक दौड़ने लगी है और हर तरफ पॉजिटिविटी हो गई है। मेरी और आपकी जितनी भी मुलाकातें हैं जी, जो भी ताल्लुक है वो इतना प्योर है कि सी थ्रू है। ये उसकी इज्जत के लिए घुटनों पर बैठ के वेलकम टू मजाक। तो अपनी तरफ से उन्हें शेर डेडिकेट करते हैं, लेकिन आज मेरी तरफ से आपके लिए दो लाइनें गाकर, जो मैंने रात को आपको रिक्वेस्ट की थी कि हानी आएंगी तो उनको, एक बड़ा जबरदस्त पंजाबी गाना है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी मुझे बहुत पसंद है, दो पसंद है गठी पसंद स्क्वेयर। आए आज मेरे बल्ले खैर है, आए आज मेरे बल्ले खैर है, पिछली रात कलम कल्ले खैर है, आज मेरे बल्ले। शेरा ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बड़ा कम होंदा ना वड्डी ते पावे भुंदे ने भाजी। अच्छा, कल चपेड़ा पईयां क्यों खलोते ऊंट से भुंद दते यार। ये जहाज में बैठे पहली दफा एयर होस्टेस ने आके इनसे पूछा, सर आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा? बिल्कुल घर वर्गा, ना कोई घर मुंह लाउंदा ना इत्थे लाया किसी ने। वेलकम हानी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहला जुमला उन्होंने कहा मैं खड़ा होकर क्लैप करना चाहता हूं। नहीं, पहला जुमला। वैसे सरदार साहब आपके बाकी बहुत डाई हार्ट फैन हैं। डाई लगो आके आए। आनिया जी, हां जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डब स्मैश, हां जी, आए से शुरुआत जी। आप डायरेक्ट फिल्म में गई जी, ये सफर इतना आसान था जितना दिखने में लगता है या पसे मंजर कुछ और है? नहीं नहीं, आसान था। फिल्म तक पहुंचने का तो आसान था, क्योंकि उस वक्त 18 साल की उम्र में आपको समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है, तो आप बस करते जाते हो कि मज़ा आ रहा है। तो जब डब स्मैश बनाई और प्रोड्यूसर्स ने देखी डब स्मैश, तो फिर सीधा फिल्म की, फिर उसके बाद ड्रामे किए, फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ आए कि तो मुश्किल है थोड़ा। थोड़ा सा मुश्किल है ये, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस होता गया। तो जब आपको पहला ऑफर आया डब स्मैश से जी, आपको लगता था कि मैं ये जो डब स्मैश बना रही हूँ अचानक से किसी प्रोड्यूसर का फोन आएगा? जब फोन आया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले किसे बताया? फोन आया, मेरी बात हुई, मैं कमरे में थी, मैं बाहर गई लाउंज में, मेरी अम्मी और दोस्त बैठी हुई थी, तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे शायद सच में किसी फिल्म की ऑफर आई है, उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी है, तो सब हंसने लगे। तो बहुत ज़्यादा हंसे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा बड़ा रोल होगा, कोई बैकग्राउंड में कुछ कर रही होंगी, तो उन्होंने कहा अच्छा सही है। उस वक्त मैं होती थी एबटाबाद में, तो मैं शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद, और ये वही एबटाबाद है, ये वही एबटाबाद जहाँ हम दोनों एक, क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं जी, मैं और हानिया एक स्कूल में पढ़े हुए। हानिया मेरी जूनियर है, हम उस बात तक दोबारा जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास उस स्कूल का कोई वाकया मौजूद है? निकाली गई थी जी। हानिया आप भी निकाले गए थे, मुझे कितना पता है। बताइएगा आपको क्यों निकाला था? आप अपना मत बताइएगा। मेरा पता है ना। यस यस। वो ये हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ती होती थी, तो यहाँ पे आदत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी हम तैयार होके जाते थे, तो जो एबटाबाद के थोड़े सादे लोग थे और सख्त स्कूल था, तो मैं गलत जूते गलत ब्लेज़र हुडी शुडी चढ़ा के चली जाती थी। फिर एक दिन बेचती, दो दिन, दसवें दिन उन्होंने कहा आप निकल ही जाए। हाँ, फिर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया कोई दस दिन। दस दिन के लिए गया था मुझे उन्होंने सस्पेंड किया, 25 दिन के लिए, क्योंकि मैं बॉर्डर था, और जब
रात 8 बजे इशा की नमाज का वक्त था, सब नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे की दीवार से फलांग के मैं निकल गया। मैं किस लिए गया था ये बात हानिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं सोच रही हूँ कि ये तो वो कहानी नहीं है। जहाँ गया था जी जी जी, वो तो आपको पता है जी जी जी। लेकिन जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे छोटियों से मेरा इस्तकबाल किया। बहाना मैंने क्या लगाया, मुझे कहते हैं कहाँ गए थे कहाँ गए थे। मैं कहा सर सुपारी खाने का दिल कर रहा था, वो लेने गया। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द एक्टिंग एंड ब्यूटी क्वीन माय फेवरेट हानिया आमिर। और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे सब बड़े दिल बड़े प्यार और बड़े एहतराम से कहते हैं मज़ाकरात। हानिया को कब इस बात का पता चला कि हानिया मशहूर हो गई है? कभी भी नहीं। मैं तड़ी बुलावा लिया ने ए दो। हानिया जी आप कराची में पैदा हुई, क्यों? मुझसे गलती हो गई। मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ उनके लिए। हैं? तू कहता तो मैं नहीं कह सकता। है? मैं थका हूँ, मैं नहीं कह सकता। दिल की किताब पे लिख दी सब कहानी। दिल की किताब पे लिख दी सब कहानी। जो भी सफा उठाओगे लिखा होगा सिर्फ हानिया हानिया। मैं तो गाना डेडिकेट दे रहा हूँ। ओह अच्छा। ब्रेक नहीं आ रही। मेहदी हसन खान साहब की गजल है, उसके दो बोल। अरे ईद का दिन है गले, शर्म कर शर्म को लगा शर्म कर। वो गाना है होना नहीं लगा था दिल्ली का गाना। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिली है, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। ईद का दिन।